स्पाइस जेट की विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से जबलपुर आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकरीबन 60 से 70 यात्रियों को लेकर जैसे ही विमान जबलपुर के लिए उड़ा, तभी कुछ मिनट बाद विमान में चिंगारी उठी और प्लेन के भीतर धुआं धुआं हो गया। एसी बंद हो जाने से यात्री परेशान हो गए। प्लेन में आई गड़बड़ी के बाद पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। 25 जुलाई से मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के बिल्कुल करीब होगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 जनपद में उनके लिए बंगला अलॉट किया जा चुका है। साफ सफाई रंग रोगन जारी है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल का कत्ल करने वाले रियाज ने अपनी बाइक के लिए 2611 नंबर लिया था। 2611 यानी मुंबई हमले की तारीख। इसके लिए रियाज ने 5000 रुपए ज्यादा फीस दी थी। इसी बीच कातिलों का भागते हुए का वीडियो भी सामने आया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान के 2 लोगों के संपर्क में थे। हत्या के बाद उन्हें मैसेज किया था, जो ऑर्डर मिला था पूरा किया। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका भी खारिज कर दी। साथ ही कहा कि नुपुर के बयान से देश में माहौल खराब हुआ। उनका शर्तों के साथ माफी मांगना जिद और घमंड को दिखाता है। उन्हें टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। इस हफ्ते सोने की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 770 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 27 जून को सोना 51,021 रुपए पर था, जो अब 51,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।